हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस JBL Go ब्लूटूथ स्पीकर की एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करेंगे। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है JBL ब्रांड की तरफ से और इसकी जो प्राइसिंग है वो Amazon इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 1700 रुपीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको अनबॉक्सिंग करके और इसका एक रिव्यू करके बताऊँगा कि क्या इसका जो साउंड क्वालिटी है इतनी छोटी पैकेजिंग के अंदर के आपको 1700 रुपीज़ के अनुसार अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है कि नहीं। तो अगर आप भी इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं और बॉक्स पैकिंग की बात करें तो JBL एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है और डेफिनेटली इसकी जो पैकिंग है वो भी एक अच्छी ब्रांड की तरह ही है, काफ़ी सॉलिड पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं कि JBL की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको 5 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको माइक इनपुट का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप इसको यूज़ करके ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्स केबल इसके अंदर सपोर्टेड है और माइक्रो यूएसबी का इनपुट भी है। तो जल्दी से इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और सील तो पहले से ही यहाँ पे मैंने खोल के रखा था, तो फिर से मैं आप सबको एक बार खोल के बोलता हूँ। तो ये कुछ पैकेजिंग है जिसके अंदर और कुछ हमको देखने को नहीं मिलता, तो इसको हम फिलहाल साइड में रखेंगे। और ये कुछ और पैकिंग है, तो इसके अंदर हमको इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं ये है कुछ JBL Go ब्लूटूथ स्पीकर जो कि काफ़ी छोटा है और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ का जो साइज़ है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ कितना छोटा है और लेंथ और जो ब्रेथ है उसका एक आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ यूज़र गाइड और जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माइक्रो यूएसबी केबल है जिसको यूज़ करके आप इस JBL Go स्पीकर को चार्ज कर पाएंगे। डेफिनेटली ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है तो इसको आपको चार्ज करना होगा। और यहाँ पे कुछ यूज़र गाइड, मैनुअल, वारंटी कार्ड ये सब मिलता है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इन यूज़र गाइड को यूज़ करके कुछ हेल्प यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो सामने की तरफ JBL की ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ भी JBL की ब्रांडिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ कोई भी स्पीकर नहीं है, सामने की तरफ एक सिंगल स्पीकर है जिसकी क्वालिटी मैं अभी थोड़ी ही देर में आपको बोलता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्स केबल है जैसा कि मैंने आप सबको बोला था और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, माइक्रो यूएसबी, और ये डेफिनेटली इसका माइक आउटपुट है। और इस साइड में आपको एक वेंट मिलता है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लगा के आप इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपको पोर्ट्स मिलता है, ये कॉलिंग का बटन है, यहाँ पे प्लस वॉल्यूम, प्लस और माइनस बेसिकली, यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन ऑफ का बटन मिलता है और यहाँ पे इसका ऑन और ऑफ का बटन मिलता है, यानी कि स्पीकर को ऑन और ऑफ करने का जो बटन है। और नीचे की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वैसा तो कुछ यहाँ पे पोर्ट नहीं है। और पीछे की तरफ भी JBL की ब्रांडिंग, सामने की तरफ भी आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस JBL जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसकी। तो फिलहाल मैं आप सबको इसका जो साउंड क्वालिटी का सैंपल है वो मैं आप सबको शो करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे साउंड क्वालिटी टेस्ट सुनाने से पहले मैं आप सबको छोटी सी एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोलता हूँ इस JBL Go ब्लूटूथ स्पीकर की। तो यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ वर्जन मिलता है इस JBL स्पीकर के अंदर वो 4.1 है, ब्लूटूथ 4.1 का वर्जन आपको मिलता है। यहाँ पे जो आउटपुट रेटिंग है वो 3 वाट की है और यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको इस स्पीकर के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपको अगर फुल चार्ज की बात करें तो फुल चार्जिंग टाइम यहाँ पे 2.5 आवर्स की है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो वेबसाइट के अंदर जो मेंशन था वो मैं आप सबको बोल रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आपको इसको ऑन करना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट यहाँ पे जल रहा है, यानी कि ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट है वो अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे काफ़ी ईजी है इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दूसरे जो ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि JBL ब्रांड से नहीं है, दूसरे ब्रांड से है जो कि लोअर बजट में आता है, उसके अंदर जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी वक्त तो आपको आपके स्मार्टफोन के अंदर ब्लूटूथ सेटिंग ओपन करके इसको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर हर बार मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ अपने स्मार्टफोन के अंदर और फटाफट ये कनेक्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो गाइज, यहाँ पे मैं अभी आपको एक NCS का सॉन्ग प्ले करके बताऊँगा और यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो फुल है, फुल लेवल पे वॉल्यूम है और मेरे फ़ोन के अंदर भी वॉल्यूम फुल मैं करके बताऊँगा आपको। और यहाँ पे शॉर्टली आप इसका जो म्यूज़िक है उसको आप एंजॉय कीजिए। और इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैं अभी अपने माइक के पास लेके जा रहा हूँ और आप उसके बाद इसकी साउंड को एंजॉय कीजिए।
सो गाइस यहाँ पे जैसा कि आपने सुना, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया। और साउंड क्वालिटी सुनने के बाद ही इसको देखकर जो आपका पहला इंप्रेशन होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर ये बहुत ही इजीली यहाँ पे आ जाता है। तो इतना छोटा फॉर्म फैक्टर के अंदर इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है इस JBL Go ब्लूटूथ स्पीकर ने। तो डेफिनेटली अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें, मुझे नहीं पता कि इस ब्लूटूथ स्पीकर का जो साउंड है वो आपको वीडियो के अंदर कितना अच्छा सुनने को मिला, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 1700 रुपीज़ के अंदर मुझे लगता है कि ये तो बेस्ट है। और JBL का ब्रांड का भी ट्रस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और जी हाँ, डेफिनेटली बैटरी लाइफ वगैरह भी मुझे तो फील होता है कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि आज ही मैंने इसको परचेस किया है तो बैटरी लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसका बेस्ट बाइंग लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और ये 1700 रुपीज़ के अंदर अगर आपको ऐसा टाइप का छोटा ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए तो JBL ब्रांड की तरफ से 1700 रुपीज़ के अंदर ये बेस्ट है। तो जाइए आप इसको, डेफिनेटली 1700 रुपीज़ अगर आपके पास है तो इसको आँख बंद करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी जब आप इसको सुनेंगे इसको बॉक्स से निकालने के बाद, तब आपको डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और मैं आप सबसे मिलता हूँ दूसरे किसी वीडियो के अंदर।